यस, गुड आफ्टरनून क्लास. वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज बॉर्डर्ड कोड टुडे. कल हमने स्काई कोड के बारे में पढ़ा था, जो कि 7-bit या 8-bit कोड्स हैं. पहले स्काई सिर्फ 7-bit कोड था, अब वो 8-bit कोड भी हम यूज़ करने लग गए हैं. इसी तरह से जो बॉर्डर्ड कोड है, ये 5-bit कोड है. स्काई कोड को हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं, जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स और टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. वेयर एज बॉर्डर्ड कोड जो है, ये बहुत पुराना कोड है और इसको हम टेलीग्राफी सिस्टम्स, जब हमारे टेलीग्राफी सिस्टम्स थे तब इसको हम यूज़ करते थे, और इसमें सिर्फ 5 bits हमारे पास अवेलेबल थी. और अगर हम 5 bits के कम्बिनेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 32 कम्बिनेशन बन पाते थे इससे. लेकिन 32 जो कम्बिनेशन हैं वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती थी शिफ्ट कोड की. जो शिफ्ट की, जैसे हमारे पास एक शिफ्ट की होती है कंप्यूटर में, उसको हम प्रेस करके बाकी फंक्शन कीज को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे एक शिफ्ट कोड होता था. उससे क्या होता था कि हमारे पास अपर केस और लोअर केस की ऑप्शन हो जाती थी. जब हमने शिफ्ट की को नहीं दबाया तो हमारे पास जो अपर केसेस होते थे, यानी कि बड़ी ABC आती थी, और जब हम शिफ्ट की को प्रेस कर देते थे तो हमारे पास लोअर केस को फिर हम असेस कर पाते थे. तो इस केस में 32 + 32 हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन जाते थे, जिसमें से 6 जो थी वो फंक्शन कीज थी और बाकी 58 जो कोड्स थे वो हमारे पास ये सारे अपर केस और लोअर केस ABCs के लिए या अल्फाबेट्स नंबर्स के लिए यूज़ होते थे. और 58 में से भी हम सिर्फ 42 को यूज़ कर पाते थे, क्योंकि 42 में ही हमारे फंक्शंस, नंबर और अल्फाबेट्स कवर हो जाते थे. अब बॉर्डर्ड कोड की लिमिटेशन क्या थी, कि इसमें अगर हमें एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क देना है या कोई कंप्यूटिंग कोड देना है तो उसकी इसमें एबिलिटी नहीं थी. तो इस वजह से हमारे पास ये जो बॉर्डर्ड एनकोडिंग स्कीम है, ये धीरे धीरे हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया. जैसे कि आप ये जो फिगर नीचे बनी हुई है, इसमें आप देखो आपके पास यहाँ पे ABC, ये A to Z, और ये जो स्पेशल करेक्टर्स हैं जहाँ पे आप ये फिगर्स देख रहे हो, सो ये वाले हम नंबर्स को यूज़ कर पाते थे सिर्फ. तो जो उसके नीचे वाले आप देख रहे हो, ये यूज़ नहीं होते थे. सो बॉर्डर्ड कोड में क्या था, हमारे पास 5-element कोड था, जिसमें हम लेटर शिफ्ट, फिगर शिफ्ट, सिंबल को हम एक्सपैंड करने के लिए, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए यूज़ करते थे. जो लाइन ए है, जो सबसे पहली लाइन है, इसमें हमारे पास सिंबल्स हैं. लाइन बी में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं. लाइन सी को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कोड को बंद कर दिया यूज़ करना. अब अर्लियर क्या होता था, जो टेली टाइपराइटर मशीन्स आपने देखी होंगी, टाइपराइटर मशीन्स में हम बॉर्डर्ड कोड को यूज़ करते थे. वो जब हम टाइपराइटर के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते थे तब हम बॉर्डर्ड कोड को यूज़ करते थे. सो ये पेपर टेप पंच होता था बेसिकली टाइपराइटर में, आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक हम पेपर लगा देते थे और वो पेपर पे हम टाइपिंग करते थे, तो उसका कीबोर्ड जो है वो बॉर्डर्ड कोड की तरह होता था कुछ कुछ. सो ये जैसे हमने अगर कुछ भी लिखना है तो वो इस तरह से डॉट्स में रिप्रेजेंट होता था. सो बाइनरी एंड कोडिंग फॉर्म्स जो थी, ये सेवरल कोडिंग स्कीम है, ये इस तरह से हमारे पास अगर बाइनरी कोड इसका बनाना है तो इस तरह से वो बनता था. मतलब वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं है. जैसे 4983 को हम BCD में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे. आप सबको पता है 4 जो है वो 100 है, 9 इज़ 1001 एंड 8 इज़ 10000 एंड 3 इज़ 11. ये सब BCD कोड्स के बारे में बता रहे हैं. BCD कोड जो है, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, बट मैंने इसके बारे में फिर भी आपको हल्का सा बता दिया है. अभी हमारे सिलेबस में जो है वो बॉर्डर्ड कोड ही है अप टू दिस. सो बॉर्डर्ड कोड होता क्या है, उसको किसने इन्वेंट किया, JME बॉर्डर्ड ने इसको इन्वेंट किया था, किस चीज़ में ये यूज़ होता था, टेलीग्राफ सिस्टम्स में यूज़ होता था, कितने बिट का ये कोड था, 5-bit का कोड था, कितने कॉम्बिनेशन इससे बन सकते थे, पहले 32 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, अगर हम शिफ्ट कोड को यूज़ करते हैं तो उसके साथ 64 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, जिसमें 6 फंक्शन कोड्स थे और 58 अवेलेबल कोड्स थे. सो इस तरह से आपने बता देना है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि हम इसको प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और इसमें कुछ कोड्स जो हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते थे. तो इस तरह से कोड्स जो हैं वो सीक्वेंस में भी नहीं थे, तो
अगर फर्स्ट रो की बात करते हैं वो सिंबल्स थे, सेकंड रो में फ्रैक्शंस थे, थर्ड रो में जाके हमारे जो टाइपिंग के लिए जो यूज होते हैं सिंबल्स, वो वाले सिंबल्स थे। सो इस तरह से ये आप टेबल बना सकते हो। वैसे टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको बॉडीड कोड होता क्या है, यूज़ क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या थी, इसके बारे में बताना था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 5-bit बॉडीड कोड। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, दैट इज EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, फुल फॉर्म इसकी ये है। अब मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता रही हूँ जो कि हमें नया पढ़ना है, दैट इज EBCDIC, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है एंड फुल फॉर्म इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस ये 8-bit ये सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8-bit यूज होता है, मतलब वी यूज 8-bits टू रिप्रेजेंट अ सिंबल। जैसे आपने स्काई में देखा था 7-bits यूज करते थे, उसके बाद 8-bit यूज करना शुरू किया, बॉर्डेड में हम 5-bits यूज करते थे और EBCDIC में हम 8-bit यूज करते हैं। और अगर 8-bit यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 256, दैट इज मोर देन सफिशेंट। लेकिन EBCDIC भी आजकल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि EBCDIC कोड हमने यूज़ करना क्यों शुरू किया था, जो IBM कंपनी है, IBM ने अपना एक कोड क्रिएट किया था जिसको उन्होंने EBCDIC नाम दिया। तो जितने भी IBM के कंप्यूटर्स थे उनमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये वाला कोड यूज़ करते थे EBCDIC। ये भी आजकल यूज़ नहीं होता। इसकी कोडिंग का कुछ पैटर्न इस तरह से था कि ए से लेके आई तक, आप देखो ये टेबल को, ए से लेके आई तक कोड जो डिजिट कोड है वो सेम है। जो EBCDIC कोड है ना, ये डिजिट और जोन दो कोड्स को मिला के बनता है। तो इसमें जो डिजिट कोड है वो ए से लेके आई तक सेम है, दैट इज 1100, और जोन कोड चेंज हो रहा है। जोन कोड इज 0001 0010 1110, ये जैसे आपके बाइनरी कोड्स होते थे उस तरह से है। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता था, 1111, तो इसमें भी वही है। इसमें हम 4-bits को यूज करते हैं जोन कोड की तरह और 4-bits को यूज करते हैं डिजिट कोड की तरह। तो अगर मुझे जी को रिप्रेजेंट करना है तो जी कैसे लिखा जाएगा, 1100 01111, ये पूरा कोड बनेगा जी के लिए। देन एच से लेके आर तक जोन कोड सेम है, सॉरी जे से लेके, जे क्या है 1101, के पे भी 1101 1101 1101, तो जे से लेके आर तक अगेन हमारा डिजिट कोड जो है वो सेम है, लेकिन जोन कोड चेंज हो रहा है। उसके बाद एस से लेके जेड तक, एस से लेके जेड तक अगेन हमारा डिजिट कोड सेम जा रहा है और जोन कोड चेंज हो रहा है। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, अब आप मुझे बताओ कि आप सब ने वो पढ़ा हुआ है जो हेक्साडेसिमल कोड्स पढ़े हुए हैं, तो 1100 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1100 हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं इसको, 1100 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, बेटा हेक्साडेसिमल कोड्स आपने पढ़े हैं ना? हाँ जी मैम। मैम हेक्साड सी लिखते हैं मैम। हाँ सी लिखते हैं, सी लिखते हैं हम 1100 को, और ये 00001 क्या हो गया, 1, तो ये क्या बन गया, C1, राइट? अब देखो ए से लेके एच, ए से लेके आई तक फ्रंट वाला कोड तो सेम है, यानी कि सबके आगे क्या लगेगा, सी, और पीछे वाला डिजिट चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, C8 एंड 9, C9 तक सेम जा रहा है, देख रहे हो। नेक्स्ट कोड इज 1101, 1101 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, डी, डी,
तो ये सारे क्या हो गए, डी सबके आगे लगेगा और पीछे ये वाले डिजिट कौन से हैं, 1 2 3 4 हाँ जी 5 6 एंड 7। अब ऐसे ही हमारे पास 9 तक ये चलेगा, देन एस इज 1 1 1 0 1 1 0, ये 1 1 0 जो होता है ये होता है ई, तो ये क्या हो गया, ई सबके आगे लग गया क्योंकि ये कोड सेम है और ये वाला चेंज हो रहा है, ये क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे C1 से लेके C9 तक है, D1 से लेके D9 तक है, लेकिन यहाँ पे E2 से लेके E9 तक है, यहाँ E1 नहीं आता, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ABCDIC कोड बनता है। और उसके बाद अगर हमें 0 to 9 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी डिजिट कोड सेम है, पीछे वाला कोड चेंज होगा, तो आगे फ्रंट पे क्या आएगा F और पीछे 0 से लेके 9 तक। अब जो जोन्ड डेसिमल नंबर्स होते हैं, आप सबको पता है जोन वर्ड जो होता है, जोन्ड इज फॉर पॉजिटिव नेगेटिव और अनसाइंड, तो जोन्ड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, वो न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है नेगेटिव में भी हो सकती है और हो सकता है उसका कोई साइन ना हो, और साइन इंडिकेटर, साइन जो हमारे नंबर्स होते हैं दैट इज सी फॉर प्लस डी फॉर माइनस एफ फॉर अनसाइंड, ये हमारे डिजिट्स यूज होते हैं सी प्लस के लिए डी माइनस के लिए और एफ अनसाइंड के लिए। और अगर हम जोन्स की बात करते हैं उसमें बाकी सारे डिजिट आ जाते हैं, मतलब एफ रहेगा और बाकी सारे न्यूमेरिक करेक्टर्स होंगे। इन जोन फॉर्मेट देयर इज ओनली 1 डिजिट पर बाइट। इतना आपको डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस टेबल समझ में आ गया है, उसके अलावा आपको ABCDIC कोड्स कहाँ पे यूज होते हैं ये पता होना चाहिए, कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे भी IBM कंप्यूटर्स है, इसको डेवलप किसने किया, IBM कंपनी ने ही इसको डेवलप किया था, और ये 8 बिट का कोड है, यानी इसके 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और 256 कॉम्बिनेशंस में ए से लेके आपने यहाँ लिख देना है ऐसे ही, इस टेबल को देखते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए से लेके आई तक कोड डिजिट कोड इज सेम दैट इज 1100, जे से लेके आर तक डिजिट कोड इज सेम दैट इज 1101, एंड एस से लेके जेड तक डिजिट कोड इज सेम दैट इज 1110, एंड अगेन 0 से 9 तक डिजिट कोड इज सेम दैट इज 1111 दैट इज एफ। उसके बाद आप कोई भी अब नंबर बना सकते हो, जैसे आपने सपोज बिट लिखना है तो बी लिखने के लिए आपको पता है बी जो है वो फर्स्ट वाले फॉर्म में आता है, बी लिखने के लिए आगे क्या आएगा 1100, ये दोनों आई के लिए भी और बी के लिए सेम है, पीछे वाला डिजिट चेंज हो जाएगा दैट इज 0010 और 1001। अब टी है तो ये नेक्स्ट डिजिट जोन में चले गया, उसका डिजिट जोन क्या था 1110 और 0011, तो ये बी का बन गया, ये आई का बन गया, ये टी का बन गया। अब आपको समझ आ गई, अब अगर मैं आपको कोई नंबर दूँ कोई भी अल्फाबेट दूँ तो आप ABCDIC कोड बना सकते हो उसका इजिली। Yes, हाँ, तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ किंग, बताओ मुझे क्या आएगा, अभी बताओ के का कोड क्या होगा, 75। के का कोड क्या होगा बेटे, ABCDIC कोड बताओ बी का, सॉरी के का, ए से लेके आई तक फर्स्ट वाला कोड सेम था तो के के लिए भी क्या आएगा नेक्स्ट, के जो है वो नेक्स्ट जोन में आ जाता है ना आई जे के, 1100 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 1101, के का हो गया 1101 1101 और पीछे वाला आई जे दैट मींस 1 2 2 2 का कोड क्या होता है, टू का 0010 0010 0010 0010 यानी कि दिस इज 1101 0010, यही कोड बना, हम देखते हैं अभी ये के लिए 1101 0010, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके साथ हेक्साडेसिमल भी लिख देना दैट इज D2, ऐसी आई के लिए भी आप देख लोगे, एन के लिए भी और जी के लिए भी, टेबल बनाना आ गया है ना। So this was all about ABCDIC codes. तो आपका sky code भी हो गया है, bordered भी हो गया है, and
ईबीसीडीआई से कोर्स भी हो चुके हैं। तो कोर्स जो थे वो आपके इतने ही थे, इसके बाद साइकिल रिडेंडेंसी कोड वगैरह है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मेन जो कोड्स हैं वो यही वाले थे। मैं आपको थोड़ा सा स्काई कोड की भी बता देती हूँ हल्का सा उसके बारे में। हाँ जी, स्काई कोड के फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। स्काई कोड दो तरह के हैं, स्काई 7 एंड स्काई 8। 7 में 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, स्काई 8 में 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और स्काई 7 और 8 में स्टार्टिंग वाले 128 करेक्टर सेम है। स्काई कोड मैंने आपको कल बता दिया था कि वो हम टेबल से देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें भी देखो किस तरह से बनाते हैं हम इसका टेबल। जीरो है, जीरो मीन 0011। इसका भी जोन कोड जो है वो सेम है अप टू 0 to 9। 0 से 9 के लिए 0011 कोड सेम है, डिजिट कोड चेंज होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बीसीडी कोड्स हैं, ये आपको लिखने आते हैं, बाइनरी कोड्स जो होते हैं। तो 0 से 9 के लिए जो हमारे इक्विवेलेंट नंबर है स्काई नंबर हेक्साडेसिमल नंबर दैट इज 30। 30 क्यों? क्योंकि 0011 क्या होता है 3, तो 30 से लेके 39 तक। जब आपको एबीसी लिखनी है हाँ जी, तो हमारे पास ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक जोन कोड सेम है, डिजिट कोड अगेन 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो ये क्या है 0100 क्या बनता है 4 और ये 1, तो 41 से लेके 4F तक। उसके बाद P से लेके Z तक जो है हमारा डिजिट चेंज हो जाता है दैट इज 010, वो क्या हो गया 50 से लेके 5A तक, 5F तक ही जाएगा 5A तक। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको कल इजी मेथड से समझा दिया था कि किस तरह से कैलकुलेट करना। क्लियर है आपको ये तीनों तरह के कोड्स? क्लियर हो गए EBCDIC, स्काई कोड एंड बॉर्डर कोड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर है। इन केस कोई डाउट है तो लेट मी नो।